हिंदी में उपसर्ग प्रमुखता चार के उपसर्ग होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम, हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी एक ही उपसर्ग होते हैं, तो हम एक एक देखेंगे। जैसे हिंदी संस्कृत के उपसर्ग आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिए हैं, मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं लिए, आप टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ अति ये उपसर्ग है, अधिक ये उसका अर्थ है और इससे बने ये सारे उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द। जैसे अति यानी अधिक, अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्याचार। अधि यानी प्रधान, श्रेष्ठ, अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण, अध्यक्ष, अध्ययन। अनु यानी पीछे, अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुकूल, अनुवाद, अनुभव। अप यानी बुरा, यानी अपयश, अपशब्द, अपकार, अपकृति, अपव्यय, अपशकुन। अभि यानी पास, अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, अभियोग। अव यानी हीनता, अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण। इस प्रकार से ये संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, टेक्स्ट बुक से और ज़्यादा दिए हैं, आप वहाँ भी पढ़ सकते हो। अगला है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में ये तद्भव से ही लिए गए शब्द हैं, संस्कृत के ही वो हिंदी के रूप वाले शब्द हैं। जैसे यहाँ अर्थ और उपसर्ग और उससे बनने वाले शब्द दिए हैं। अन यानी नहीं, यहाँ अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी। अध यानी आधा, अधपका, अधमरा, अधजला, अधलिखा, अध नंगा। उन यानी एकदम, उनचालीस, एक कम, उनचालीस, उन्नीस, उनतीस, उनसठ, उन्नासी। अव यानी अवगुण, अवगढ़, अवसर और अवघट, अवतार। कु यानी बुरा, कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र, कुरीति। चौ यानी चार, चौराह, चौमास, चौपाया, चौरंग, चौकन्ना, चौमुख। इस प्रकार से ये हिंदी के उपसर्ग हैं।